नमस्ते दोस्तों, मैं गुरुजी गुरुस किचन में आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों, शुभ दीपावली के अवसर पर मैं एक स्वीट डिश बनाने वाला हूँ जिसका नाम है नारियल गुड़ का लड्डू। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे तिल नारियल ले लिया मैंने, तो इसको तोड़ लेंगे पहले। तो नारियल को तोड़ लिया, तो अब हम इसको ग्रेट कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख लीजिए, एक कटोरी के हिसाब से दे रहे हैं। मैं तीन नारियल लिया, दो कटोरी, तीन कटोरी, चार, तो तकरीबन चार कटोरी नारियल हुआ है। इधर मैं तीन नारियल लिया था, तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पे 600 ग्राम गुड़ डालूंगा इसमें, गुड़ या तो 600 ग्राम गुड़ यहाँ पे मिक्स कर रहा है। ये आखिर गुड़ है। तो इसको हम अच्छी तरह इसके संग मिला लेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरा रेडी हो चुका है। इसको 10 मिनट तक रख देंगे। इसके बाद इसमें इलायची पाउडर मिलाएंगे, उसके बाद कढ़ाई में डालेंगे। 10 मिनट के बाद इसमें ऐड कर देंगे इलायची पाउडर। यहाँ पे 2 पिंच इलायची पाउडर दिया मैंने। तो आप डायरेक्टली कढ़ाई में डाल देंगे, कढ़ाई का फ्लेम लो में कर देंगे। तो दोस्तों, इसको कॉन्स्टेंटली इसको ऐसे ही चलाना है जब तक ना ये एक संग हो जाए, तो सूख जाएगा और एक संग हो जाएगा, तो वैसे उसका रेडी हो जाएगा, तब उसको हम लड्डू बनाएंगे। तो इसको चलाते ही रहना है। दोस्तों, देख सकते हैं इकट्ठा हो गया, अब ये हो चुका है। थोड़ा टेस्ट करने के लिए देखिए, हम टेस्ट करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। थोड़ा सा पानी लिया, गर्म है इसलिए। देखिए, आसानी से ही हो जाएगा, तो मतलब कि हो गया। तो अब इसको उठा लेंगे हम और थोड़ा ठंडा करके इसको बनाएंगे। तो दोस्तों, थोड़ा सा प्लेन वाटर लेंगे, तो दो हाथ में इसको लगा लेंगे और यहाँ से, अभी भी बहुत गर्म है, तो इसको पकड़ लेंगे, लेके ऐसे हाथ में
गोला पकाएंगे। तो दोस्तों देखिए ऐसा बन जाएगा, ऐसा करके सारा को सारा बना लेंगे। तो आज का नारियल गुड़ का लड्डू रेडी है। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और भी रेसिपी आएगा आप लोगों के लिए। तो फिलहाल चलते हैं दोस्तों, शुभ दीपावली, आप सब लोग अच्छा रहिएगा, बाय बाय दोस्तों।